गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ना वो होने वाला है भाई स्टेज ट्यून को लेके, क्योंकि जीटी में बहुत दिन से चाह रहा था कि स्टेज ट्यून हो, बट ड्यू टू सम रीजंस के पहले हमने जी 900 ले ली, फिर उसके बाद पोलो ले ली, तो इसका नंबर ही नहीं आ रहा था चलाने का भी, और ना इसको हमने इतना तवज्जो दिया कि हम यार इसमें कुछ कराएं। बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर बीएमसी का एयर फिल्टर, अब इसमें मॉडिफिकेशन होने जा रहा है, और वो होने जा रहा है इसमें भाई स्टेज टू विद पॉप्स एंड बैंग। तो हम जा रहे हैं भाई सीधे ऑटो साइक, ठीक है, वहाँ पे चल के दिखाएंगे भाई क्या क्या खतरनाक आवाज़ें होने वाली है। भाई स्टेज टू करेंगे, स्टेज वन करेंगे, वो वहाँ पर जाके डिस्कस करने वाले हैं हम आज। तो भाई मज़ा पूरा आने वाला है, और बाइक की जो आवाज़ होने वाली है ना मैं आपको सुना देता हूँ अभी स्टैंड बाय पे कि कैसी आवाज़ है, और उसके बाद वहाँ पे जाके देखेंगे कि आवाज़ कैसे होने वाली है। तो भाई एक बार रोक के यहाँ पे मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ बाइक की, और उसके बाद हम सीधे चलेंगे ऑटो साइक, ठीक है। तो भाई एक बार आवाज़ दिखा देता हूँ। तो भाई जो अभी गुरु सेवक इंस्टॉल है हमारा, ठीक है, इसके अंदर गंदी बहुत हो रही है, बट अभी ऐसे कपड़ा मार के मैंने साफ की है, तो अभी स्टॉक है, कुछ नहीं हुआ है। तो भाई अभी आवाज़ ऐसे है थ्रोटल पे, और मैं थोड़ा सा थ्रोटल खींच के दिखा देता हूँ आपको, तो इस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो अब जाके देखते हैं भाई कि क्या और कुछ होने वाला है, और यहाँ से हमें दिखा रहा है 45 मिनट्स की ड्राइव है 20 किलोमीटर से, तो सीधे हम पहुँचते हैं ऑटो साइक और वहाँ पे जाके भाई दिखाते हैं आपको कि क्या क्या होने वाला है। तो भाई लोग ये देखो आवाज़ देख रहे हो, फुल सिस्टम एरो, मज़ा ही अलग है यार पूसा का, सीरियसली अलग मज़ा आता है इसको चलाने के बाद। ये भाई है राइड पे जा रहा है, आज हम सुबह मॉर्निंग में संडे राइड पे नहीं गए ना, तो अपनी जो राइड है वो है आज शाम को भाई। तो पहले हमारी होगी जीटी कोड 6, तो मैं बता ही देता हूँ आपको, तो कोड 6 के लिए हम जा रहे हैं यार, वो मुंह से निकल गया है, ठीक है। तो भाई जो गाड़ी पे इंस्टॉलेशन होने वाला है ना वो मज़ा आने वाला भाई, फाड़ आवाज़ होने वाली है फाड़, देखता हूँ जीनो से कंपेयर करके और जीटीओ कंपेयर करके आवाज़ में, तो भाई मज़ा तो पूरा आने वाला है। तो देखते हैं जाके भाई कि क्या सीन होगा, ठीक है, तो मज़ा तो पूरा आएगा भाई ब्लॉग के अंदर। गाइज हम आ चुके थे ऑटो साइड पे, और वहाँ पे आने के बाद यार वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उन्होंने मेरे को 10 मिनट के लिए बोला है कि 10 मिनट आप वेट कर लें, तो हमें लग रही थी भूख, तो हम आ चुके हैं वाइट ओपन, ठीक है, रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हम खाएंगे कुछ खाना। तो आयान बैठा हुआ है इधर, इसको ज़्यादा भूख लगती है भाई, है आयान, आयान को ज़्यादा ही भूख लगती है, तो हम खा वा के सीधे वहाँ पर चलेंगे, काम कराएंगे बाइक में, ठीक है। ये रखा हुआ है हेलमेट, तो उसके बाद हम चलते हैं फिर वहाँ पे जाके बात करते हैं भाई क्या होने वाला है आज। गाइस फाइनली आ चुके हैं हम ऑटो साइक, ठीक है, रिटोर्नी, और यहाँ पे होने वाला है यार गाड़ी ने अपने कोड 6, और आप देख सकते हैं वैसे भी यहाँ पे यार भाई खतरनाक गाड़ियाँ खड़ी हुई है, ठीक है, तो गाड़ियों में भी यहाँ पे जिस तरीके का आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जिस तरीके की ट्यूनिंग चाहते हैं वो सब हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, और वहाँ कुछ मॉडिफाई कर कस्टमाइज की हुई है, नहीं है फरारी है, ठीक है, और उधर ऊपर रेंज रोवर टंगी हुई है। भाई अब अपनी बाइक में होने वाला है कोड 6 इंस्टॉल और पॉप्स एंड बैंग के साथ। ऑलरेडी अपनी बाइक में आपको जैसे कि पता है गुरु सेवक ऑलरेडी लगा हुआ है, और बीएमसी एयर फिल्टर मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करा चुका हूँ, तो अब देखते हैं भाई साउंड स्टैंड बाय पे कैसी है, और उसके बाद जब कोड 6 हो जाएगी तो साउंड कैसा है। स्टैंड बाय, ठीक है, स्टैंड बाय पे जो आवाज़ है वो ऐसी है अभी, तो कंपनी ने नाम लगा है डिटेल में देखेंगे भाई किस तरीके से काम होता है।
है अपना ECU, अभी ECU खुलेगा और वो ये जाएगा फूकर, ठीक है, जिसमें कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो भैया बताएंगे सारी चीज़ें, क्या भैया क्या क्या होने वाला है, तो बताएंगे। आप बस खोलोगे करेंगे भैया ऊपर, हाँ वही बताएंगे, ठीक है। तो भैया ऊपर बताएंगे भाई, अभी ये खुल रहा है और यहाँ से हमारा ECU बाहर आएगा। ECU बाहर जाने आने के बाद हम जाएंगे ऊपर जहाँ पे हमारा सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी। ECU आ गया अपने हाथ में, ये अपना सा ECU होता है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड, और इसके अंदर अब काम होने वाला है। इसके लिए हम चल रहे हैं सीधे ऊपर, जिसमें भैया करेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर बैंक, और ऊपर चल के बताएंगे क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, कि क्या नाम है, कोड 6 कराने से हमें क्या मतलब एडवांटेज मिलने वाला है, और भी कुछ और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मेरे को पता नहीं है, बट आई नो अबाउट द कोड 6। तो वो लोग आपको बताएंगे कि कोड 6 क्या होता है, क्या चीज़ होती है, और सारी चीज़ें कुछ डिटेल में। तो गाइस अब कोड 6 इंस्टॉल होने वाला है, तो भैया बताएंगे आपको कि क्या कोड 6 में और अदर सॉफ्टवेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो भैया थोड़ा सा बता दो इसके अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें हम इस चीज़ ट्यू करते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर तो कोड 6 जो है वो ब्रांड है जो ट्यूनिंग करता है, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर इसमें डिफरेंट रहते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो ब्रांड है जो ट्यूनिंग प्रोवाइड करता है वो कोड 6 है। तो हम इसमें कोड 6 कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट R&D है, उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो कोड 6 के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और काफ़ी बेस्ट है, इंडिया में टॉप है। तो हम अभी वही इंस्टॉल कर रहे हैं, वही फ्लैश करेंगे इसमें। इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं जिसमें हम स्टेज 2 कराते हैं, तो हमारी स्टेज 2 होने वाली है बाइक्स के लिए। तो हम अभी कोड 6 कर रहे हैं। अगर आप कार्स में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है, जैसे TVS इंजीनियरिंग है, ऑटो प्रो है, वो हमारा अपना इन हाउस ब्रांड है, और गाइस कोड 6 एंड पॉप्स एंड बैंग इंस्टॉल हो चुके हैं अपनी GT के अंदर। तो भाई यार पटाखे सुना दूं क्या? देखिए अभी मैं एक राउंड लेके आया था, उसमें मेरे को मज़ा आया, अभी मैं दिखाऊंगा उसमें, और एक बार आप भी देखिए। तो गाइस हम निकल चुके हैं घर की तरफ, और भाई अगर बीच में अगर मिलता है पब्लिक रिएक्शन तो देखते हैं भाई क्या मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई साउंड ना बहुत अलग हो गई है। ये देख रहे हो सुन रहे हो आवाज़, भाई मज़ा आ गया सीरियसली। कोड 6 करा के तो अलग ही मज़ा है बाइक में। भाई अगर पुलिस वाले मिल गए ना चांटे चांटे मारेंगे, चांटे ही चांटे। तो इसलिए भाई बहुत एकदम क्लच दबा लूंगा मैं, देखता हूँ किस तरीके से ऑप्शन बैंक बंद होते हैं। भाई पब्लिक रिएक्शन देख रहे हो, बंदे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। भाई खतरनाक आवाज़ हो गई है सीरियसली, बहुत ज़्यादा खतरनाक। अब GT ना कम ही निकलेगी, और पहले तो निकलती नहीं थी। भाई
आजकल डिफेंडर बहुत दिख रही है भाई। भाई बहुत बुरा वाला जाम लगा हुआ है। देखो भाई लड़की ना पलट पलट के देख रही है बार बार। गाइस रिएक्शंस वाह क्या मुस्कुराहट है। हो रही है मतलब लड़कियां मतलब भाई लड़कियों को अच्छी लगती है बाइक्स। भाई अलग ही टोरा चल रहा है इस टाइम तो। यार 15 किलोमीटर है और इतना टाइम दिखाता है 50 मिनट 45 मिनट। बाइक हो चुकी है रेडी तो अब हम निकलेंगे एक बार होटल देंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें पॉप्स एंड बैंक कैसे आते हैं। ठीक है उधर अयान खड़ा हुआ है उधर से वो वीडियो बना रहा है तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो गाइस आवाज़ आपको आ रही होगी पूरी तरीके से कि क्या हो चुका है कोड 6 होने के बाद और उधर से एक और शॉट लेगा। तो बताना भाई ये कैसे लग रही है वीडियो यार। तो भाई पूरा मज़ा आ रहा है इस टाइम। भाई पॉप्स एंड बैंग एक नंबर हो चुके हैं बाइक के अंदर और कोड 6 हो चुकी है बाइक और देख सकते हैं आप यहाँ पे। आज मैं चप्पलों में ही आ गया क्योंकि मुझे कोई ऐसा थाने के राइड पे जाना है स्पेशली। बट आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को। जल्दी से मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।